हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द डे टू ऑफ डेली डोज ऑफ वन क्वेश्चन, जिसमें हम पार्ट सी के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट सी के कुछ टॉपिक्स ऐसे सीएसआईआर पूछता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको उन सारे एरियाज से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक साथ समराइज करके दूँ, ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो दिख रहा है आपको वो ये है, द साइक्लिंग ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स सच एज रेस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट इज एडेड बाई एक्सेसरी प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द जी प्रोटीन एंड रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। दीज एक्सेसरी प्रोटीन्स इंक्लूड जी टी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन दैट इज गैप्स एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर दैट इज जी ई एफ। द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ गैप एंड जी ई एफ प्रोटीन। चार यहाँ पर कंडीशंस आपको दी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कंडीशन स्टेट दैट माइट कॉज अ कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड। अब पहले समझ लेते हैं जी प्रोटीन का क्या सिचुएशन होता है। देखिए, जी प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो जी प्रोटीन के पास एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जिसको कि हम जी टी पेज एक्टिविटी बोलते हैं। इन जनरल जो जी प्रोटीन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है हेट्रो ट्राइमेरिक और दूसरी होती है मोनोमेरिक। जब हम यहाँ पर बात करते हैं जी प्रोटीन की तो जो उसकी अल्फा सब यूनिट होती है उसी में मिलती है हमको ये जी टी पेज एक्टिविटी, और बीटा और गामा जो सब यूनिट्स होती हैं इन जनरल आप देखोगे कि वो इसके साथ में प्रेजेंट होती है, बट अल्फा और गामा वो सब यूनिट्स हैं जो कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इफ़ दिस इज़ अ जी प्रोटीन, तो अल्फा गामा और बीटा, यहाँ पे अल्फा और गामा इसको जी प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी प्रोटीन की एक्टिविटी के बारे में। तो आप सबको पता है कि जब जी प्रोटीन जीटीपी के साथ जुड़ी हुई होती है, जीटीपी के साथ अटैच होती है, उस स्टेट में हम उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट, ये एक्टिव। और जब जी प्रोटीन जुड़ी हुई होती है जीडीपी के साथ में तब वो होती है इनएक्टिव। इस एक्टिव और इनएक्टिव के बीच में ही ये स्विच करते रहती है, कौन? जी प्रोटीन्स, ठीक है। अब एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट के बीच में जो यहाँ पर स्विच हो रहा है उसके लिए दो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक प्रोटीन होती है गैप और एक होती है जी ई एफ, ठीक है। तो गैप और जी ई एफ यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गैप में आप ये भी समझ सकते हो आरजीएस, तो आरजीएस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ गैप प्रोटीन ओनली। या आप बोल सकते हो कि कुछ आरजीएस ऐसे भी होते हैं जो गैप एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन इन जनरल आप इनको गैप एक्टिविटी करते हुए देखते हो। आरजीएस का फुल फॉर्म हो जाता है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, और गैप का फुल फॉर्म हो जाता है जी टी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जी ई एफ का फुल फॉर्म हो जाता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जी प्रोटीन प्रेजेंट है और इस वक्त ये जुड़ी हुई है जी डी पी के साथ में। जब यहाँ पर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा और ये सिग्नलिंग का प्रोसेस एक्टिवेट होगा, उस पॉइंट पे ये जी जो जी प्रोटीन है वो इंटरेक्शन होगा उसका जी ई एफ के साथ में। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कई बार ये जी पी सी आर मॉडल में आप देखते हो तो जो रिसेप्टर है वही जी ई एफ की तरह काम करने लगता है। कुछ केसेस में ये जी ई एफ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी हो सकती है। नाउ जो जी ई एफ जब प्रेजेंट होगा तो अब जैसे कि इसका नाम है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, तो ये जी डी पी को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह ऐड कर देगा किसको, जी टी पी को। तो इस केस में जो हमारी जी प्रोटीन है वो अटैच हो जाएगी जी टी पी के साथ में और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अभी इन एक्टिव फॉर्म में थी, जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया तो बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगा और जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी तो आप देख सकते हो कि ये जी टी पी के साथ में अटैच्ड है। नाउ जब हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाता है, मतलब जब सिग्नलिंग का प्रोसेस ख़त्म होना है, उस केस में यहाँ पर क्या होता है, जो गैप प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी शुरू होती है। गैप का मतलब हुआ जी टी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। नाउ जी टी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन जो जी टी पेज की एक्टिविटी है, मतलब जी टी पी को हाइड्रोलाइज करने की जो एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट कर रही है। तो जब गैप प्रोटीन यहाँ पर काम करेगी, इस केस में जो जी टी पी यहाँ पर अटैच हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि वो जी डी पी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में जो हमारी जी प्रोटीन है वो अटैच हो जाती है किसके साथ में, जी डी पी के साथ में, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं समराइज करूँ यहाँ पर, कि जो गैप है वो क्या कर रही है,
वो जी प्रोटीन को जो कि एक्टिव फॉर्म में थी, मतलब जीटीपी से जुड़ी हुई थी, उसको कन्वर्ट करी है जी प्रोटीन जो कि अब जीडीपी से जुड़ी हुई होगी, मतलब एक्टिव फॉर्म से वो उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और वहीं पे जो हमारा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, वो जी प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब एडीपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है जी प्रोटीन जो कि एटीपी से जुड़ा है, क्योंकि उसने उसको एक्सचेंज करवाया है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मुझे पाथवे को कंसिस्टेंटली ऑन रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जी प्रोटीन को कंसिस्टेंटली जो जी टी पी है उसके साथ में अटैच रखना है, तभी ये जी प्रोटीन एक्टिव रहेगी और आगे का जो पाथवे है वो भी कंसिस्टेंटली या कंस्टिट्यूटिव मैनर में ऑन रहेगा। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बट बिफोर दैट आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर जी प्रोटीन अभी जी डी पी के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये इनएक्टिव स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में ये जीटीपी के साथ जुड़ा है, जीईएफ बेसिकली, ये क्या करेगा, ये एक्सचेंज करवा देगा जीटीपी से। तो बेसिकली जी प्रोटीन अब जुड़ चुकी है जीटीपी से, इस केस में ये एक्टिव हो चुकी है, लीड्स टू सेल ग्रोथ एंड डिविजन, बेसिकली वो सारी सिग्नलिंग प्रोसेसेस जिसमें कि ये सब हो रहा है प्रोसेसेस, उसमें जी प्रोटीन का मोस्टली आप रोल देखते हो और ये एक्टिव होकर उन पाथवेज को एक्टिवेट करवा देगी या ऑन करवा देगी। वहीं पे अगर गैप प्रोटीन एक्टिवेट हुई है तो ये इस जीडीपी का हाइड्रोलिसिस को फैसिलिटेट करेगी और इस केस में वापस से जी प्रोटीन जीडीपी के साथ में जुड़ जाएगी, इनएक्टिव स्टेट में हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, आप बोल सकते हैं सिग्नलिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसके कारण जो सिग्नलिंग कैस्केड है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे। अब अगर एक नॉन फंक्शनल गैप है तो गैप का क्या काम था, गैप का काम था जी प्रोटीन को जो कि जीटीपी से जुड़ी है उसको जीडीपी से जोड़ देना, मतलब एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देती हूँ एक बार कि जी प्रोटीन जो कि जुड़ी हुई है यहाँ पर जीटीपी से, उसको जी प्रोटीन जो कि जीडीपी से जुड़ी है उसमें कन्वर्ट कर देना, मतलब एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना। तो अगर गैप प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये काम होगा, लेकिन अगर ये प्रोटीन इनएक्टिव होगी तो ये काम नहीं होगा, मतलब कि जी प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। तो मतलब ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के साथ में फिट बैठता है। सेकेंड ऑप्शन, अ परमानेंटली एक्टिवेटेड गैप, अगर गैप प्रोटीन परमानेंटली एक्टिव रहेगी तो हमेशा ही इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाती रहेगी और इस केस में सिग्नलिंग कैस्केड नहीं चलेगा। नॉन फंक्शनल जीईएफ होगा, जीईएफ का भी हमने काम देखा था कि ये जी प्रोटीन जो कि जीडीपी से जुड़ी है उसको जी प्रोटीन जो कि को कन्वर्ट करवा देगा जीटीपी के, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा। तो अगर ये एक्टिव होगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी और अगर ये इनएक्टिव होगा तो जी प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में रहेगी। तो अगर एक नॉन फंक्शनल जीईएफ होगा तो सिग्नलिंग कैस्केड नहीं चलेगा, लेकिन अगर परमानेंटली एक्टिवेटेड जीईएफ होगा तो वो परमानेंटली जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता रहेगा और सिग्नलिंग कैस्केड चल पड़ेगा। तो इस केस में आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि ए एंड डी जो है वो हमारे क्वेश्चन के साथ में एकदम उसको करेक्ट तरीके से समझा रहे हैं, दैट मींस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जी प्रोटीन की जितनी इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो उसको समझ लिया है। नेक्स्ट मेक श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड वीडियोज़ को लाइक करें हैं। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आप और किस पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस डेली अ क्वेश्चन सीरीज के अलावा भी मैं आपको बहुत सारे कंटेंट अब डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पर, और आपके सीएसआईआर एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी टॉपिक्स देना स्टार्ट कर दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक उस टॉपिक पर जो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मैं वीडियोस बना दूं एंड डिटेल्ड मैनर में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसके अलावा जिनको भी चाहिए कि आप लोग अपने आपसे पढ़ाई कर रहे हो एंड यू वॉन्ट एनी कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आता है, चाहे वो किसी भी यूनिट का है चाहे वो पार्ट ए का है, आप मुझे बताइए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।